last day feels. Thank you. वीडियो चल रही है बेबी. Thank you. लेकिन जो फाइनल जजमेंट होता है जो 6 महीने लगते हैं जिसके लिए, तो ये 6 महीने का लीप हुआ है और हम शादी का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं क्योंकि हमें कायरव को सारा प्रोसेस दिखाना है. उसके लिए हमने संगीत किया और मेहंदी कर रहे हैं, बट जो फाइनल वेडिंग है वो डिवोर्स के बाद ही होगा. ऐसा है कि डिवोर्स सुबह है और उसी दिन शाम को शादी. आज आप घर पे आए हैं तो ये वैदिक का कहना कि बहाना बने क्या नायरा को देखने के लिए, क्योंकि शादी के फंक्शन में दूल्हा दुल्हन नहीं मिलते. या एक्चुअली बहाना तो ये था कि दादी को यहाँ ला रहे, दादी को छोड़ना और गायू को भी छोड़ना है यहाँ पे, उनका घर तो एक दो दिन रुकने के लिए, तो वो एक बहाना बन जाता है. दादी के पैर में चोट आ जाती है, दादी नहीं आ पाती, बट शी इज़ वेरी वर्ड. दादी को बहुत टाइम से इंट्यूशन हो रहे कि कुछ गलत हो सकता है, बट कार्तिक इज अगेंस्ट स्टडी से कि नहीं नहीं ठीक है. उनका वरी होना भी ठीक है, डरना भी ठीक है, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है. यू नो ऑलमोस्ट 5.5 साल से कार्तिक नायरा अलग है और सो दिस इज क्वाइट नॉर्मल टू बी वरीड एट दिस टाइम. तो यहाँ पर वो आए हैं इस बहाने से और नायरा को, लेकिन नायरा सामने यहाँ पर वो आए हैं और नायरा को ढूंढ रहे, लेकिन नायरा सामने ही नहीं आ रही. तो एक लास्ट चीज, जैसा हम देख रहे हैं प्रोमो में भी, कि वैदिका जो है नायरा को कुछ बोलती है, नायरा बोलती है तुम जान जाओगी कि मैं क्यों शेर नहीं हूँ. हस्बैंड सेड दैट, आई लाइक दैट, क्या है ये एक्चुअली अलग वो क्या है वैदिका. यू सून गोना सी द दुर्गा रूप ऑफ नायरा. जैसे आप जैसे कार्तिक को कभी गुस्से में देखते तो उनका शिव वाला रूप दिखाते हैं, ई वो दैट कॉस्ट्यूम. और जब वो लड़का आता है नायरा की लाइफ में, सेम वे नायरा ने दुर्गा के रूप दिखाया है. और दे इज़ गोना बी समथिंग, मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन वो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है. अभी तक पूरा मिलन हो चुका है, शादी की तैयारी हो चुकी है, पर यहाँ से उस चीज़ की शुरुआत हो रही है. So yes, also a cute moment. जैसे हम टेबल के नीचे हमसे क्यूट मोमेंट करते हैं, इस बार सोफे के पीछे क्यूट मोमेंट है. बैठो वो चौक. थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है. मतलब जो परेशानियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही हैं कार्तिक. हाँ, कहीं ना कहीं पूरी फैमिली को लग रहा था कि सब दिवाली खुशी खुश किस्मती से अच्छी हो गई है. हाँ, और चाचू इज बैक. एंड क्या हुआ था आप? कुछ नहीं यार, बस दर दर भटक रहे थे हम. फिर दिवाली हुई तो फैमिली ने बीवी के साथ बातचीत चालू थी, तो एक दिन आया था सबसे घर वालों से मिलने को देखने को, और वहाँ पकड़ा गया. इन लोगों ने सबने पकड़ लिया कि भैया चाचा है. तो मगर लकीली सबने, नायरा ने और कार्तिक ने बोला कि अब यू नो लाइक कि अब चाची ने जब माफ़ कर दिया तो फिर माफ़ कर दिया जाए. तो उस हिसाब से मैं घर में आ गया वापस से, आप सबके बीच में.
लेकिन हाँ अब ये मुश्किल हो गई. So yes, the family accepts him. Kairav accepts his father. Diwali काफी खुश हुई. चाचू वापस आ गए. कार्तिक कायरव का मिलन हुआ. लेकिन फिर होता है ये जहाँ पल्लवी जो है वो कार्तिक को जेल में डलवा देती है. हाँ, आरोप लगाती है. आरोप लगाती है. आरोप लगाती है कि एक रिकॉर्डिंग है उनके पास कि वेदिका जो है उनको कुछ तो हो रहा है और वो कार्तिक कार्तिक चिल्लाए जा रहा है. सो देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि वो क्यों कार्तिक चिल्ला रही है और उस बात पे हमें जेल में. और सिर्फ उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे ये पूरा वो है कि लेकिन यू नो लाइक गोयनका हाउस को परेशानी पीछे नहीं छोड़ती है. लेकिन हम लोग डट के मुकाबला करते हैं. द फैमिली इज हियर टू सपोर्ट कार्तिक. एंड जेल में आने के बाद और एक चीज पता पड़ी है, उससे और ज्यादा स्ट्रेस हो गए हैं क्योंकि कायरव बीमार हैं. तो जेल के साथ साथ वो और अच्छी एक इंट्यूशन होता है कि कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि शायद बच्चे के साथ कुछ हुआ हो. जब इससे पहले समर चाचू आते हैं और वो बताते हैं कि नहीं कायरव ठीक है. और जब वो पता चलता है एक रिलीफ होती है कि चलो ठीक है कायरव ठीक है. लेकिन नाजुकी है ना हालत अभी भी नाजुक है. ही इज फीलिंग बेटर नाउ. उन्हें एंजाइटी अटैक हुआ था जो बच्चा है उसे बिकॉज ही हैड अ हार्ट अ होल इन हिज हार्ट. हार्ट इन हिज होल ज़्यादा स्ट्रेनियस नहीं हो सकता. तो ज़्यादा होश ज़्यादा गम कुछ भी ज़्यादा नहीं हो सकता. बिकॉज देन ही गेट्स ही गॉट एन एंजाइटी अटैक बट ही इज स्टिल डूइंग बेटर. लेकिन चाचू से उन्हें एक अभी अभी न्यूज़ पता चली है. तो थैंक यू फॉर दैट. क्या न्यूज़ है? सब सही है एंड बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास है एंड तीनों साथ में है और नायरा गया. वो हमें सामने पता चला ना एकदम. हाँ तो मैं तो छुपा रहा था. यस मैं फिर भी नहीं बताऊंगा लेकिन चाचू नहीं बता रहे होते लेकिन हमें पता चल जाता है कि जो नायरा है वो गायब है. और कायरव को लुक आफ्टर के लिए नायरा वहाँ नहीं है और नायरा घर पर भी नहीं है. सो शी इज ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री कि क्या है कैसे ये वेदिका की आवाज़ आई थी वो पल्लवी के फोन में, वो क्यों कार्तिक कार्तिक चिल्ला रही थी और कार्तिक क्यों जेल में है. थैंक यू कार्तिक. एक मुसीबत खत्म होती नहीं है दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है. अभी कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शायद खुशियाँ वापस लौट आई है कायरा की जिंदगी में. कायरा और आपका मिलन हो गया था लेकिन अब एक नई मुसीबत शुरू हो गई है. वो है आपका अरेस्ट होना. ओह यस. हुआ क्या एग्जैक्टली? एक्चुअली जैसे ही पूरे दिवाली का सेलिब्रेशन जो अभी टुमारो में दिखाया है हमने कि दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है कार्तिक नायरा कायरव साथ में डांस कर रही पूरी फैमिली दिवाली मना रही है और उतने में ही वेदिका कॉलिंग लिखा आ रहा है. सो वेदिका इज़ बैक एंड इनटू देयर लाइव्स एंड उसमें काफ़ी और ड्रामा अभी होगा और लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स कमिंग अप. बट द थिंग राइट नाउ इज जहाँ वेदिका की बेस्ट फ्रेंड जो पल्लवी है शी इज़ लाइक अ और सिस्टर फिगर मदर फिगर सब कुछ वही है क्योंकि उनके अलावा कोई है नहीं उनकी लाइफ. पल्लवी टेक्स अ स्टैंड फॉर वेदिका कि वो इतने टाइम से गायब थी लेकिन घर वालों ने कुछ पूछताछ नहीं की. शी इज फियरिंग उन्हें इस बात का डर है कि शायद वेदिका को मार वार ना दिया हो, शायद उनकी किडनेपिंग ना हुई हो, शायद कार्तिक ने कुछ कर ना दिया हो वेदिका को. तो वो एक डर से उन्होंने कार्तिक को फिलहाल अरेस्ट करा. वो जो एक कॉल सुन लेती है वो रिकॉर्डिंग सुन लेती है जिसपे वो चिल्ला रही कार्तिक कार्तिक चिल्ला रही बट वो अलग है. वो एक्चुअली कार्तिक को बचाने कार्तिक से बचने के लिए नहीं वो आके बचाए इसलिए वो कार्तिक चिल्ला रही. तो वो गलत फहमी हो गई उन्हें और इसलिए अब हम जेल जा रहे हैं. अच्छा नायरा पूरी कोशिश कर रही है सब घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए और उसके लिए ज़रूरी है वेदिका को ढूंढना क्योंकि जब तक वेदिका नहीं मिलेंगी आपकी इनोसेंस प्रूफ होगी नहीं. तो क्या होने वाला है, नायरा कैसे ढूंढेंगी? फिलहाल तो द होल फैमिली इज जस्ट वरिड के इन्हें ले जाया जा रहा है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या या बोले क्या. यहाँ जब जा रहे होते तो नायरा नहीं होती साथ, वो मिशन पर निकल चुकी है. मिशन वेदिका इज़ ऑन. सो वील सून नो क्या होता है. क्या कर रहे हैं कायरव और वंश दिवाली में? आज मैं
वेदिका दीदी का दिया बुझाता हूँ और मम्मा पापा का पास मिलाता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मा पापा मुझे चाहिए कि मम्मा पापा साथ में उनका नाम आए, और मैं चाहता हूँ कि वेदिका दीदी मेरे साथ रहे, इसलिए मैं अपना जो दिया होता है मैं अपने हाथ में रख के दोनों जगह ऐसे करके मिक्स कर देता हूँ ताकि वेदिका दीदी और मैं साथ रहें, और फिर मैं सबको मिक्सअप कर देता हूँ और साथ में कर देता हूँ, सबको मिक्सअप करके मैं साथ में कर देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि पूरी फैमिली साथ में रहे। फिर मैं मम्मी पापा का छाटता हूँ, फिर वेदिका दीदी का बीच में होते मैं उनका उसका कैंडल बुझा के मम्मा पापा का पास कर देता हूँ। अच्छा, और डांस काफी डांस वांस भी चलता है दोनों तरफ बहुत ज्यादा। क्या डांस कर रहे हैं? लेकिन अभी जो हमारा डांस चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं उस बॉक्स में, वो जो बॉक्स ऊपर दिख रहा है ना लैम्पटेन, आपको लैम्पटेन है ना, उसके अंदर मैं आया था। अच्छा, पापा को सरप्राइज देने के लिए। अच्छा, तो आपने फाइनली पापा को माफ कर दिया? पापा से अभी तक उसने तो माफ बताओ कह रहा, मैंने अभी उनको माफ कर दिया है, अब वो मेरी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अब आप पापा से गुस्सा नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पूरा बोले मैं पापा से गुस्सा नहीं हूँ, क्यों गुस्सा नहीं? मैं पापा से बिल्कुल बिल्कुल अब तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। थैंक यू। तो नायरा, क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें कार्तिक जो पंजाबी लुक में दिख रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए कुछ। जी हाँ, कार्तिक कायरव के नए पापा बन के आए हैं, नया रूप लेके आए हैं कायरव के लिए, जहाँ हम सबको पता ही है कि कायरव को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है पापा को लेके, या जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, उसे अपने पापा से बात नहीं करनी है, उससे उसके पापा अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो बैड पापा हो गए हैं कायरव के लिए, और वो बस अपनी मम्मा को हैप्पी करना चाहता है, खुद हैप्पी रहना चाहता है, एक हैप्पी फैमिली चाहिए उसे, जिस वजह से वो ऐसे ही बोलता है कि मुझे नए पापा चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा। तो कार्तिक बस उसकी वो विश पूरा करने के लिए ये नया अवतार लेके आते हैं, जिससे कायरव थोड़ा खुश हो सके और उसे कैसे ना कैसे करके एक्सेप्ट तो करें। इसलिए तो नायरा, क्या इस बात से आप खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कार्तिक झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, बच्चे से, तो उस बारे में आपका क्या? इस बात से नायरा खुश नहीं है क्योंकि नायरा शुरू से कार्तिक को यही एक चीज़ बोल रही है कि उसको इस मैंने कुछ टाइम पहले भी ये चीज़ समझाती है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुम नाउम्मीद मत होना, मैं पूरी कोशिश करूँगी और बस पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और कुछ और मत करना एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी जो उन्होंने ये नाटक किया है, अगर इस बारे में कायरव को पता चलता है और वो इसको फिर अगर कुछ गलत वे में ले लेता है तो चीज़ें यू नो और बढ़ जाएंगी, तो इससे सॉल्व कुछ नहीं होगा, तो नायरा को इस वजह से ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। बस एक आखिरी सवाल, प्लीज़ अपने लुक को लेके कुछ बता दीजिए, क्योंकि लुकिंग रियली प्रीटी। थैंक यू। धनतेरस है, हम लोग मना रहे हैं धनतेरस, और कुछ नहीं, सब आप देखेंगे फैमिली में सब तैयार है, आई एम वेयरिंग अ नाइस शाइनिंग लिटरी नेट वाला जिसमें वर्क है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, नीचे मैंने चप्पल पहनी है, हील्स नहीं पहनी है, तो चप्पल पर ठीक है। थैंक यू। मैं बोलने वाली थी, आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है। हाँ, बहुत ही इंटेंस हो चुका है, इससे पहले जब एंटर ही कर रहे होते हैं तब कार्तिक एक बार फिर नायरा से पूछते हैं कि आर यू श्योर हमें जाना है अंदर, बिकॉज वंस वी एंटर देन वी कांट लीव इट हाफ वे, फिर वो कस्टडी बैटल शुरू हो जाएगी। वहाँ पे नायरा के जहन में अब भी जो सारी बातें जो वेदिका से हुई थी वो चल रही है कि जब तक नायरा यहाँ रहेगी, जब तक बच्चे के साथ रहेगी, तब तक वेदिका और कार्तिक की शादी कभी मानी नहीं जाएगी, सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये कि कार्तिक कभी वेदिका के क्लोज नहीं आ पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें वेदिका बहुत बार उनके जो झगड़े हुए अब जाके उन्होंने पूरा ब्रेकडाउन किया है नायरा के सामने, और अब भी जब कार्तिक नायरा से पूछ रहे कि यू श्योर यू वांट टू गो इनसाइड, तो अब भी वो सारी बातें चल रही है, एंड फाइनली शी जस्ट सेज यस एंड दे बोथ एंटर द कोर्ट। लेकिन ये दो बैटल बहुत अलग अलग हैं, एक बैटल आपका और नायरा का डिवोर्स। यस, वो द डिवोर्स इज डन, कार्तिक और नायरा ने साइन कर लिया है पेपर्स पे, और वो कहते भी है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, इससे पहले नशे में भी कहते हैं कि इससे पहले कि डिवोर्स हो गया पर मेरा दिल मान नहीं रहा। यू सी अ स्मॉल सीक्वेंस जहाँ पर वो अपनी भड़ास उतार रहे, खड्डा खोद रहे, और उतने में उनकी माँ आ जाती है और वो कहते हैं कि मेरा दिल ही नहीं मानता कि वो पेपर पे साइन तो कर दिया पर दिल नहीं मानता कि डिवोर्स हो चुका है,
Yes, the other battle is obviously for Kairav. और बच्चे के लिए कुछ एग्जैक्टली कस्टडी बैटल नहीं है. कार्तिक ये नहीं चाहते कि कस्टडी पूरी उनको मिल जाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो नायरा के पास रहे, कस्टडी नायरा के पास रहे, लेकिन उसके लाइफ के डिसीजंस जो होंगे कि वो किस शहर में रहेंगे, कौन से स्कूल जाएंगे, वो सारा डिसीजन उनके फादर का होना चाहिए. कार्तिक ऐसा नहीं हो सकता कि आप और नायरा मिलकर ये डिसीजन लें, भले अब आप दोनों तलाक ले चुके. नहीं हो सकता कि वो मिलकर डिसीजन ले, क्योंकि नायरा चाहती है कि वो दूसरे शहर जाए, और ये चीज़ उन्हें कहीं और से पता चली. नायरा डिडंट टेल दिस, वो ऑब्वियसली बताने वाली थी, पर वो जब तक वो बताती कार्तिक को पता चल जाता है कि वो बच्चे को लेके गोवा जाने वाली थी, और इस वजह से वो अब उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही. तो कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि उनकी बात पर ट्रस्ट करूँ, पर वो नहीं कर पाते उन पर ट्रस्ट. तो वो कह रहे कि हाँ रहे, माँ के पास रहे, क्योंकि वो मानते कि जो बच्चा है उसे इस वक्त 5 ईयर ओल्ड किड, उसे अपनी माँ की ज़्यादा ज़रूरत है, पर उसके लाइफ के डिसीजंस उनके फादर ने. तो उस बात की बैटल है, नॉट एग्जैक्टली अ कम्प्लीट कस्टडी बैटल. जो मेरी वकील साहब है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी हार्ड हेडेड, एंड शी इज़ वेरी डिटरमाइंड कि वो ये केस जीत के रहेंगे. वो कभी केस हारी नहीं है, सो बाय हुक और बाय क्रुक वो ये केस जीतना चाहती है. और कार्तिक थोड़ा उन्हें समझाने की कोशिश करते कि लिसन, शी इज़ माई एक्स वाइफ, तो ज़्यादा हार्ड मत होना उन पर, डोंट गेट टू रफ ऑन हर. बट वो नहीं मानती और वो कहती है कि लिसन, डोंट गेट योर इमोशंस इनटू ऑल दिस, क्योंकि हो सकता है कि नायरा भी शायद उनके लॉयर कोई गेम खेले, तो मुझे भी खेलना पड़ेगा. सो कार्तिक थोड़े अगेंस्ट है अपनी लॉयर के इस बात पे, बट ही हैज़ टू गो विद द. अच्छा एक चीज़ और, लेकिन आज भी अगर नायरा के खिलाफ कोई बात होती है कोर्ट में, तो कार्तिक को बहुत गुस्सा आ जाता है. जैसे ही आपकी वकील ने कुछ ऐसी वैसी बातें करी नायरा से और नायरा के बारे में कुछ कहा, और पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि जितना भी उनका झगड़ा हो जाए, जितना भी सेपरेशन हो, इससे पहले जब पूरी फैमिली इन्हें मिलाने की कोशिश करती है, नानी बहुत सुनाती है, इस बार भी उनका बच्चा एक जरिया बन गया है. बट इट्स गोना बी द एंड ऑफ द डे दे आर लव्ड, दैट विल ब्रिंग देम बैक हियर. अगर कायरा मिलन होना भी है, तो उसका एक ही रीज़न होगा कि उनका प्यार है इतना स्ट्रॉन्ग, और चाहे जो भी हो जाए, और इतनी सारी चीज़ें हो गई. येस दे हैव लॉस्ट गुड 7 ईयर्स ऑफ दियर लाइफ, यू नो, 2 पहले और 5 बाद में, दे हैव लॉस्ट 7 ईयर्स ऑफ दियर लाइफ. तो हम कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हैं कि डिवोर्स कोई बच्चों का खेल नहीं है यार, कि बस डिवोर्स कर लिया. डिवोर्स होने के बाद 7 साल उनकी ज़िंदगी के गए, नायरा इतनी डिप्रेशन में गई, कार्तिक डिप्रेशन में गया, शी हैड अ मेंटल ट्रॉमा जिसकी वजह से बच्चे पर असर हुआ, यू नो. सो ऑल दोज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ द डिवोर्स. And now we've come to another conclusion here. यहाँ पर एक और चीज़ शुरू हुई है. So a lot of things have happened bad because of the divorce. So we're not showing divorce in a very glorified way कि चलो डिवोर्स हो गया, खुश हो गया, end of story. No, divorce is a start of pain. So वो pain शुरू हुआ है और अब देखते हैं कि क्या होता है. So एक बहुत बड़ा decision लिया है कार्तिक ने, और हम सब चौंक गए थे कल जब कार्तिक ने ये कहा कि वो बच्चे की पूरी कस्टडी, सोल कस्टडी आपको देना चाहती हैं. हृदय पर हमें हुआ कैसे? बहुत कुछ चल रहा है ऑलरेडी इस मैटर को लेके, कैरव की कस्टडी को लेके बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, और पूरी तरह से कार्तिक भी गलत नहीं है और ना ही नायरा गलत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किसी को क्या करना चाहिए. सो जो भी कुछ हो रहा है, नायरा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि हमारे बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी इशूज़ हैं, अगर कायरा के बारे में पता चल गया तो बेचारा बच्चा टूट जाएगा. उस पर क्या बीतेगी, जिस वजह से नायरा डिसाइड करती है कि वो कायरा की कस्टडी कार्तिक को दे देगी, और वो ये चीज़ कार्तिक से जाके कहती भी है. और उसके बाद ये सब जानने के बाद कोर्ट में नायरा का कुछ पास्ट में भी कुछ हुआ होता है जो सामने आता है, और इन सब चीज़ों के बाद कार्तिक एक डिसीजन लेते हैं कायरा की कस्टडी नायरा को देने के लिए, मतलब वो इस केस से विड्रॉ करते हैं. अच्छा कभी सोचा था आपने कि ऐसा भी दिन आएगा जब कार्तिक भरी अदालत में सब लोगों के सामने आपसे माफी मांगेगा?
मतलब इसमें ऐसा सोचने और ना सोचने वाला कुछ था ही नहीं नायरा के लिए. वो बस इसी प्रेशर में थी कि क्या होगा. और वो लास्ट हियरिंग के टाइम पे वो अपना मन बना के आई थी कि उसे कायरव की कस्टडी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कुछ जो भी हो रहा है, जो भी अगर ये बात कायरव जितना झगड़ा होगा, जितना ये चीज स्क्रैच होगी, तो कायरव तक ये बातें जाएंगी जाएंगी. बहुत अच्छे नायरा को वो डिवोर्स के पेपर्स दिखाए थे, बट शी इज स्कैर्ड कि वो कार्तिक को कभी ऐसी बात बोलेगी तो कार्तिक बहुत गुस्सा हो जाएंगे. ये बहुत हाइट तो नहीं लग रहा कैमरा ना, कस्टडी केस शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं वेदिका इज आल्सो फीलिंग दैट शी इज स्लाइटली रिस्पांसिबल फॉर कॉम्पैक्ट वाला ब्लॉग 85 की वजह से कार्तिक बहुत प्रॉब्लम में है. समवेयर शी इज फीलिंग सॉरी फॉर हिम, शी इज ट्राइंग टू मेक अ प्लेस फॉर हरसेल्फ इन हिज लाइफ, पर पॉसिबल नहीं हो रहा है बिकॉज कार्तिक अपनी स्ट्रेस में है एंड वो उस जगह नहीं मिल सकती. टोन बिटवीन चलो कार्तिक को बुलाओ. दिस दिस लव ऑफ हिज लाइफ की बीवी, उनका बच्चा एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज लाइफ इज ड्यूटी. एक इंसान जिनको प्रॉमिस कर चुके, जिनसे वो शादी कर चुके हैं, तो दो तरफ है और बीच में उनका बच्चा कहीं ना कहीं, एंड ही डजंट वांट हिज किड टू नो एनीथिंग. वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे को कोई भी चीज़ की भनक हो, ज़रा भी पता चले. तो एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि उस बच्चे को कुछ पता नहीं चलना चाहिए. तो यस ही इज़ टोन. एट द सेम टाइम अभी कस्टडी शुरू हो गई है क्योंकि नायरा जो है उन्होंने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं, तो काफ़ी गुस्सा है नायरा से कि हाउ डे शी डू दैट, हाउ डे शी. एंड अदर देन द डिवोर्स पेपर्स, एक और चीज़ है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो बच्चे को दूर ले जाएंगे. क्यों? इसलिए क्योंकि उसका रीज़न मैं हूँ, क्योंकि मेरी नायरा से एक बहुत ही ओपन कॉन्फ्रंटेशन हुआ था जहाँ पे मैंने उनसे कहा था कि आपने मुझे शुरू में प्रॉमिस किया था कि आप चली जाएंगी और हमारी रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं हो पा रही है, शुरू नहीं हो पा रही है, और जब तक आप यहाँ रहेंगी तो हो ही नहीं पाएगी. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी एक ओपन हार्ट टू हार्ट आई जस्ट यू नो से वट एवर आई वॉन्ट, तो इसकी वजह से शी फील्स कंपेल्ड टू लीव. यस नायरा परेशान इस बात पे हुई कि उन्हें अब लग रहा है कि कार्तिक को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. कार्तिक फिर से उन्हें ये लगने लगेगा कि नायरा फिर उनके बच्चे को उन्हें ना बताए लेके जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है. शी इज जस्ट वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट. जैसे ही वो आएगा वैसे ही वो कार्तिक से बात करेगी और कार्तिक से कुछ छुपाएगी नहीं. लेकिन क्योंकि वो मेल कार्तिक को भी चला गया है तो उन्हें ये बात पहले पता चल जाए, पहले पता ना चल जाए, दैट इज़ वाई शी इज़ कॉलिंग हिम यू नो कंटिन्यूसली, कि वो नायरा उन्हें ये बात बताना चाहती थी. वो तो वैसे ही बताना चाहती थी लेकिन कहीं वो पहले वो सर्टिफिकेट दे के नायरा को फिर से गलत ना समझ लें. आपके नन्हे से बेटे की भी शादी की बातें चल रही हैं. हाँ, एक बहुत ही क्या, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा सीन है सिंघानियास का, जहाँ पे बड़ी दादी कायरव के लिए लड्डू बना के ले जाती हैं और नायरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो लोग उनसे ऐसे नायरा से ऐसे नाराज़ रहते हैं. बट शी अंडरस्टैंड्स बिकॉज जो गलती, जो सज़ा नायरा ने उनको दी है वो भी गलत थी और उनकी नाराज़गी जायज़ है, इसलिए वो ये चीज़ समझती है. लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है, तो बस वो फिर से एक बार माफ़ी मांगती है बड़ी दादी से और फाइनली वो नायरा को माफ़ कर देते हैं. तो माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, हैप्पी हो जाता है. और उसी बीच एक बहुत ही फनी सा मोमेंट है जहाँ पे नायरा बड़ी दादी को कुछ ऐसी कहती है कि अरे आपको तो तब तक जीना है जब तक कायरव की शादी भी देखनी है और ऐसे ऐसे, और ये बात कायरव सुन लेते हैं तो फिर वो अपनी शादी की बातें करने लग जाते हैं. अच्छा, एज अ मदर अगर आपके बहू होंगे तो क्या क्वालिटीज होंगी बताइए? मेरे साथ कितने साल का बच्चा होगा? ये 5 साल का. मैं कोई भी 5 साल के बच्चे की माँ बहू के बारे में सोच सकती हूँ? किसने? या ओके, अगर बात की अभी सब तो कार्तिक नारे के बीच में जो भी चीज़ें पूरी तरह सॉर्ट आउट हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कैरव के लिए बच्चे के लिए वापस से मामला बिगड़ ना जाए. मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ रही हैं और अभी भी वही हुआ है. और नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिकॉज कार्तिक ने फिर गलत समझ लिया है
और नायरा शायद उन्हें ढंग से समझा नहीं पाई या पहले बता नहीं पाई, जिस वजह से उन्होंने चीज़ों को दूसरे तरीके से ले लिया है. अभी आई डोंट नो, अभी चीज़ें और ख़राब होती हुई नज़र आएंगी. जी हाँ, वेदिका को उनकी इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, और जो भी है कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि कार्तिक और नायरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट नाउ दैट शी इज़ हिज वाइफ और उसको भी अपना हक चाहिए. और बहुत सी बातें जो वो यहाँ आके क्लियर करती हैं सिंघानियाज में, जो बात नायरा सुन लेती है, और उस वजह से नायरा को थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि ना वो जिस तरीके से घर से भागती हैं उसको ये बात बहुत खटकती है कि कुछ तो शायद उनके दिमाग में चल रहा है. यू नो दैट इज़ व्हाई शी फॉलोज हर, एंड पता चलता है कि वो सुसाइड करने वाली होती है, जहाँ पे नायरा जाके उन्हें बचा लेती है. और यही बात नायरा घर आके बड़ी दादी को बताती है, जब तो बड़ी दादी एक ही चीज़ कहती है कि बेटा इसी चीज़ का मुझे डर था, और अब जिस चीज़ का मुझे डर है वो ये है कि दुनिया तो तुझे ही गलत समझेगी.